अर्जुन उठो ना अर्जुन, वेक अप अर्जुन। देखो तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, फिर अर्जुन वेक अप प्लीज उठो ना। अंजलि अंजलि प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। डॉक्टर साहब इसे कहिए ना कि उठे और मेरे साथ घर चले प्लीज। अंजलि अंजलि प्लीज, आई एम सॉरी अंजलि, आई एम सॉरी। अर्जुन अब कभी भी नहीं, ही इज डेड। माय अर्जुन इज अलाइव। मैच हार गया है इसलिए रूठ गया है, अब समझते क्यों नहीं हो? ओह माय गॉड। डॉक्टर हमको अर्जुन की बॉडी का पोस्टमार्टम कराना होगा। पोस्टमार्टम क्यों? हमको डाउट है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है जरूर। क्या गड़बड़ है टिकोस्टा बोलो। आई डोंट नो डॉक्टर, लेकिन अर्जुन का डेथ सर पे मार लगने से नहीं हुआ है। तो फिर कैसे हुआ है? यही जानने के लिए तो हम बोलता है कि अर्जुन की बॉडी का पोस्टमार्टम होना चाहिए। आई एम नॉट श्योर डॉक्टर, लेकिन हमको लगता है कि अर्जुन का खून हुआ है। व्हाट? तुम भी क्या बकवास कर रहे हो टिकोस्टा? ठीक है डॉक्टर, हम बकवास कर रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम कराने में क्या हर्ज है? जानते उसके लिए हमें अंजलि से परमिशन लेना होगी। मैं तुम्हें अपने अर्जुन के बॉडी की चीर फाड़ होने हरगिज नहीं दूंगी। अंजलि अंजलि प्लीज अंजलि, ये सच्चाई जानने के लिए तुम्हें अपने दिल पर पत्थर रखना ही होगा। कैसी सच्चाई? कैसी सच्चाई? डैडी डैडी कैसी सच्चाई? अंजलि इनका शक है कि अर्जुन का खून किया गया है। ठीक है अंजलि, ठीक है, ये हमारा डाउट है, लेकिन इसका पोस्टमार्टम होगा तो ये मालूम पड़ जाएगा कि ये सच है कि झूठ है, इसका खून हुआ है कि नहीं। ये सच्चाई जानने के लिए बहुत जरूरी है, प्लीज से यस। प्लीज अंजलि प्लीज। आप हट जाइए, हट जाइए। व्हाट इज इट डॉक्टर? इट्स अ केस ऑफ मर्डर। व्हाट? अर्जुन सिंह की मौत सर पे मार लगने से नहीं हुई, ही वाज पॉइजन, उसे जहर दिया गया था। लेकिन क्यों? मैं कम इन सर। ओह यस इंस्पेक्टर, प्लीज कम इन। इंस्पेक्टर इनसे मिलिए, ये अंजलि सिंह वाइफ ऑफ अर्जुन सिंह। हेलो। और ये है मिस्टर डिकोस्टा, अर्जुन सिंह के कोच का मैनेजर। हाय। हेलो। और ये है मिस्टर कमलनाथ, अर्जुन सिंह के फिजियोथेरेपिस्ट। हाय। और आप इंस्पेक्टर माधवन फ्रॉम क्राइम ब्रांच। डॉक्टर साहब आपने मुझे अर्जुन सिंह के कत्ल के केस में यहाँ बुलाया था। यस, ये रही उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पॉइजन। मिस्टर सिंह आपको किसी पर शक है? शक? करण, करण ने मारा है उसे। करण? करण कौन है? कहीं ये वो तो नहीं जिसके साथ अर्जुन का मैच हुआ था? ये सब सर आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उसने मैच के पहले चैलेंज किया था कि बाय हुक और बाय क्रूक वो अर्जुन को हरा कर रहेगा। लेकिन ये तो कोई भी प्लेयर अपने अपोनेंट के लिए कह सकता है, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। बट इट वाज नॉट नॉर्मल फॉर करण, क्योंकि करण ने अनाउंस कर रखा था कि जब तक वो अर्जुन का मैच में नहीं हरा देगा वो अपनी गर्लफ्रेंड विनीता से शादी नहीं करेगा, और ये उसके लिए आखिरी मौका था, क्योंकि अच्छी तरह जानता था कि इस मैच के बाद अर्जुन बॉक्सिंग छोड़ देगा। आपकी क्या राय है मिस्टर सिंह? मैं क्या कहूँ, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पर होने के लिए तो ये भी कातिल हो सकते हैं। क्या कह रहे हो तुम? और नहीं तो क्या, अर्जुन वाज वॉर्न्ड अगेंस्ट मोर बाउट्स, फिर भी कमीशन के लालच में आपने ये मैच फिर जस्ट शट अप। अर्जुन ने जिद की थी और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो। मैं अर्जुन को जहर क्यों दूंगा, मुझे क्या मिलेगा? और कहने को तो मैं भी ये कह सकता हूँ कि ये खून तुमने किया। मैं अर्जुन का खून क्यों करूंगी? व्हाई नॉट? मिस्टर डिकोस्टा, मिसेस सिंह अपने पति का खून क्यों करेंगी? क्योंकि अर्जुन का रीमा के साथ अफेयर था। रीमा कौन है? अर्जुन की गर्लफ्रेंड, और उसको लेकर रोज इन दोनों में झगड़ा हुआ करता था। मेरी जगह कोई भी होती तो झगड़ा करती, बट एट द एंड ऑफ द डे इंस्पेक्टर साहब हम दोनों में सुलह भी हो जाया करती थी। एंड डिकोस्टा डोंट फॉरगेट वन थिंग, अर्जुन ने रीमा के साथ नाता तोड़ लेने का फैसला किया था। इंस्पेक्टर साहब रीमा को अर्जुन के करीब लाने वाला यही आदमी है, एंड लॉजिकली स्पीकिंग जब इन दोनों को अर्जुन के फैसले के बारे में पता चला तो इन दोनों ने उसे मार डालने की कोशिश की। What rubbish? कुछ नहीं कह रहा है तो। Wait a minute. सच्चाई क्या है ये तो पता चल जाएगी। डॉक्टर मैं ये रिपोर्ट ठीक तरह से पढ़ लेता हूं,
But before that, I would like to do a routine inquiry. Thank you, doctor. Mrs. Singh, I'm sorry. जब तक कातिल का पता नहीं लग जाता, आप अपने हस्बैंड की डेड बॉडी नहीं ले जा सकती. I hope you understand. Good day to you. Cheers to you. Thank you. I love you, Karan. I know it. मुझे पता है कि तुमने मेरा 3 साल तक इंतजार किया है. You know something? इंतजार का भी अपना एक अलग मजा होता है. I know it. But you know something? जब मैंने वो मैच जीता, तो मुझे ऐसा लगा कि खुशियाँ ज़िंदगी के दरवाजे पे दस्तक दे रही हैं. Heavy. Who's that? I'll get it. Okay. Yes. I'm Inspector Mahesh Madhavan from Crime Branch. मुझे करण अरोड़ा सर्जन बात करनी है. क्या वो घर पर हैं? जी हाँ. आइए. Thank you. आइए. करण. Inspector Madhavan from Crime Branch. जी कहिए. कैसे आना हुआ? Romantic. Very romantic. अर्जुन सिंह की मौत को बहुत romantically celebrate किया जा रहा है. अर्जुन की मौत नहीं, उसकी हार और मेरी जीत का सेलिब्रेशन है ये. जी नहीं, अर्जुन सिंह हारा नहीं था, उसे हराया गया था जबरदस्ती. मिस्टर करण अरोड़ा, व्हाट डू यू मीन? आई मीन वो तुम्हारे इन पंच से नहीं मरा था, उसे मारा गया था जहर देकर. जहर? यस, जहर. बट हाउ इज इट पॉसिबल? वो तो मुझसे अच्छी खासी फाइट कर रहा था. तब तक कर रहा था जब तक जहर ने अपना असर दिखाना शुरू नहीं किया था. पर उसे कोई जहर क्यों देगा? बट नेचुरली उसे मारने के लिए और फाइट में जीतने के लिए. इंस्पेक्टर, आप कहना क्या चाहते हैं? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? शक करना हमारा पेशा है. इंस्पेक्टर, शक करना भले ही आपका पेशा हो, लेकिन आप करण पर बिल्कुल गलत शक कर रहे हैं. हर शक तब तक गलत होता है जब तक वो यकीन में न बदल जाए और कोई इसे कन्फेस ना कर ले. मिस विनीता वर्मा, जहां तक मुझे याद है, आप करण की मंगेतर हैं. जी. मैंने ये सुना है कि आपने वादा किया था इनसे कि आप तब तक शादी नहीं करेंगे जब तक आप अर्जुन को हरा नहीं देते. इंस्पेक्टर, हर महान काम करने के लिए इंसान कोई ना कोई कसम खाता है. और आपने कसम खाई और अर्जुन को जहर खिलाया. What nonsense! इंस्पेक्टर, आप सीधे सीधे करण पर इल्जाम लगा रहे हैं. इस साजिश में आप भी शामिल हैं, मिस विनीता वर्मा. Of course, ये मेरा शक है. और शक तब तक गलत होता है जब तक यकीन में ना बदल जाए और इसे कोई कन्फेस ना कर ले. क्या आप दोनों अपने क्राइम को कन्फेस करते हैं? शराब मैंने पी है और लगता है चढ़ी आपको ही है. नशा आपको भी बहुत चढ़ा था कि आप हर कीमत पर अर्जुन को हराएंगे और उसकी कीमत अर्जुन सिंह को अपनी जान गंवा कर देनी पड़ी. लुक इंस्पेक्टर, मुझे अर्जुन को जहर देने की कोई जरूरत नहीं थी. अगर मुझे अर्जुन को मारना था तो उसका यह हिस्सा बहुत कमजोर था. मैं बार बार उसे वहां मारता तो वैसे ही मर जाता. और मैं अपने कोच थापर के बार बार इंसिस्ट करने पर भी मैंने उसे वहां नहीं मारा. आप मान नहीं रहे थे. यू मीन? मेरा मतलब है कि मैंने उसे उस वक्त वहां नहीं मारा. मुझे ऐसा लगा कि मैं हार रहा हूं और मुझे आपने उसे वहां मारा ताकि वो मर जाए? जी नहीं, ताकि वो हार जाए. और जब मैंने उसे वहां मारना शुरू किया तो मैंने कई पंचेस मिस भी किए. ओके, आप मुझे ये बताइए कि ये थापर वही आदमी है ना जो 5 साल पहले मिस्टर अर्जुन के कोच हुआ करते थे? जी. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अर्जुन सिंह ने इस कोच को निकाल भी दिया था और काफी बेइज्जती भी की थी. जी. वेल, मुझे जो जानना था मैंने जान लिया. अब आप लोग अपना डिनर एंजॉय कीजिए, मैं चलता हूं. और हां, मैं आपको आपकी जीत की मुबारकबादी नहीं दूंगा क्योंकि यह जीत आपकी नहीं है. आप मुझ पर बेमतलब की तोहमत लगा रहे हैं ऑफिसर. जी हां, तोहमत बेमतलब की ही होती है जब तक वो साबित ना हो जाए. अर्जुन सिंह का कत्ल हुआ है ये बात तो साबित हो चुकी है,
लेकिन कातिल कौन है? कातिल वही होगा जिसके पास अर्जुन सिंह के कत्ल का मोटिव होगा। मेरे पास? मेरे पास क्या मोटिव हो सकता है ऑफिसर? अर्जुन सिंह से अपनी बेइज्जती का बदला लेना। आप अर्जुन सिंह के कोच रह चुके हैं? जी। अर्जुन सिंह ने आपको निकाल दिया था, आपकी काफी बेइज्जती भी की थी। उसके बाद आपने कसम खा ली कि आप अर्जुन सिंह को बर्बाद कर देंगे, उसके चैंपियन होने के गुमान को चकनाचूर करके रख देंगे। आपने काफी हाथ पैर भी मारे। हर साल दो साल आप नए नए बॉक्सरों को तैयार करते रहे, अर्जुन सिंह को हराने के मकसद में कामयाब होने के लिए। लेकिन आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। लगातार तीन साल तक आप करण अरोड़ा पर दांव लगाते रहे कि इस बार आप कामयाब होंगे, लेकिन अफसोस कि इस बार भी अर्जुन सिंह ने आपको कामयाब नहीं होने दिया। बट दिस टाइम यू हैड टू विन बाय हुक और बाय क्रुक, क्योंकि अर्जुन सिंह इस मैच के बाद रिटायर होने वाला था। और आप ये कैसे देख सकते थे कि अर्जुन सिंह ऐसे चैंपियन रिटायर हो जाए? और आपके ख्याल से मैंने उसे जान से मार डाला, यही कहना चाहते हैं ना ऑफिसर? एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहता हूं कि आपने करण पर यह दबाव डाला कि वो अर्जुन सिंह को यहां हमारे यहां, ताकि अर्जुन सिंह या हार जाए या मर जाए। सिर्फ हार जाए ऑफिसर। ये जानते हुए भी अर्जुन सिंह का यह पोर्शन वीक था। यस, दैट्स प्रोफेशनल टैक्टिक ऑफिसर, टू टेक एडवांटेज ऑफ योर अपोजिशन वीक पॉइंट, चाहे उसमें उसकी जान चली जाए। एवरीथिंग इज वेर लव एंड वॉर। जहर देना भी फेर था। इंस्पेक्टर साहब, जब अर्जुन यहां हिट करने से मर सकता था तो उसे जहर देने की जरूरत क्या थी? वेरी वेल रिहर्स्ड। आखिर आपका मतलब क्या ऑफिसर? आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि आपके और करण के काउंटर क्वेश्चंस काफी मिलते चलते हैं। आप दोनों ने अर्जुन सिंह का ना सिर्फ मर्डर ही प्लान किया था, बल्कि सवाल के जवाब में सवाल भी अच्छी तरह रिहर्स करके रखे। आप एक ऑफिसर हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। यू आर राइट। अच्छा, अभी अभी आपने मुझसे यह सवाल किया था कि आप अर्जुन सिंह को जहर क्यों देंगे? टू मेक इट डबली श्योर दैट ही लूजेस। मैंने कहा ना कि आप एक ऑफिसर हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं। कुछ भी कहकर, कुछ भी सोचकर बहुत कुछ जान लिया जाता है, और बहुत जल्द बहुत कुछ ही नहीं, सब कुछ जान जूंगा। गुड डे टू यू एंड ऑल द बेस्ट। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो, आई एम सुशील मोदी। हैव अ सीट। थैंक यू। कहिए कैसे रहूंगा? इंस्पेक्टर साहब, मैं पिछले 5 सालों से अर्जुन का सोल स्पॉन्सर रहा हूं। आई एम सॉरी, यू लॉस्ट योर प्लेयर। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि उसका कत्ल हुआ। आपको कैसे पता? मुझे उसकी वाइफ ने बताया। या, इट्स सैड, वेरी सैड। इंस्पेक्टर साहब, आप इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मैं इसीलिए आपसे मिलने चला आया। मैं आपकी कुछ मदद करना चाहता हूँ। कैसी मदद? बाय गिविंग यू सम वाइटल इन्फॉर्मेशन। कौन सी इन्फॉर्मेशन? इंस्पेक्टर साहब, ये करण का जो स्पॉन्सर है ना, रहीम सूरती, मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। रहीम सूरती? कहीं ये वही आदमी तो नहीं जो कुछ वक्त पहले छोटा मोटा गुंडा हुआ करता था? यस, यू आर राइट। दिखावे के लिए वो अभी गैरेज खोलकर बैठा हुआ है, पर असल में उसका काम मैच फिक्सिंग का है। मैच फिक्सिंग? जी हाँ, क्रिकेट हो, फुटबॉल, रेसलिंग या फिर बॉक्सिंग,
वो इन स्पॉट्स के पैसे खिलाकर रिजल्ट फिक्स करवाता है। उसने मुझे भी ऑफर किया था फाइट से पहले कि अगर अर्जुन हार जाता है तो मेरे एक्सपेंसेस निकालकर वो मुझे 1 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार था। 1 करोड़ रुपए? जी हाँ, दरअसल उसने करण पर बहुत भारी सट्टा खेला था। वेट अ मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि रहीम सूरती के लिए हर कीमत पर अर्जुन का हारना जरूरी था। जी हाँ, वरना उसका दिवाला निकल जाता। हाँ, मुझे याद आ रहा है कि फाइट के दौरान उसने मुझसे कितना कॉन्फिडेंटली कहा था। उसने कहा था, बापू ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। टाइम दिस सट्टेबाज वाले, इन सट्टेबाजों ने तो खेल की मर्यादा और मजे को खत्म ही कर दिया है। बट आई मस्ट मीट हिम। यू मस्ट सी हिम। बट इंस्पेक्टर साहब, आपसे गुजारिश है, देखिए सूरती को ये पता ना चले कि मैं उसके बारे में कुछ बात करके गया हूँ, वरना आप तो समझ सकते हैं ना कि इस तरह के लोग कुछ भी कर सकते हैं। डोंट वरी, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा। हाँ, आपके पास उसका एड्रेस है? अपन प्यार से अपन को लोग सुरती कहते हैं साहब। बोलो साहब, क्या काम है? इंस्पेक्टर माधवन फ्रॉम क्राइम ब्रांच, तुमसे मिलना है। से कौन सी बात है साहब? बोला ना, तुमसे अकेले में बात करनी है। क्या बात कर रहे ला साहब? अपन अर्जुन का मर्डर? नहीं साहब, अपन तो धंधा पानी वाला आदमी है साहब, अपन सुपारी लेने वाला आदमी नहीं। धंधा पानी वाला? कौन सा धंधा पानी? यही साहब, गैराज का। गराज का या सट्टेबाजी का? सट्टे, क्या बात कर रहे ला साहब आप। ज्यादा बन मत। अपुन नहीं बन रहे ला साहब, आपको किसी ने बनाया ला। मैं किसी के कहने पर यहां नहीं आया, पूरी तरह छानबीन की है, लोगों से पूछताछ की है, उसके बाद यहां आया। पूछताछ किया? कौन बताएगा उस साले को मेरे सामने लाने का? उसका टिप मत पाएगा मैं। अगर किसी के सिर्फ शिकायत करने से तुम उसका टेटुआ दबा सकते हो तो अर्जुन सिंह तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा था, धंधे में तुम्हें बर्बाद कर सकता था, इसलिए तुमने उसका कत्ल किया। और घर ढूंढने का साहब, उधर ही कातिल मिलेगा। अपन पे इल्जाम लगा के खाली पहले टाइम खोटी नहीं करने का, खुद का भी और अपन का भी, समझा क्या? सूरती, एक बार, सिर्फ एक बार तुम्हारे सट्टेबाजी का सबूत मेरे हाथ लग जाए तो मैं साबित कर दूंगा कि अर्जुन सिंह का कत्ल तुमने किया है। तो देर काहे का साहब, धंधे पे लग जाने का ना, अभी से सबूत ढूंढने का, समझा क्या? समझ गया साहब। वैसे तो अपन सट्टेबाजी करता नहीं है, मगर एक बात मालूम है, इस धंधे में जितना घुसेगा उतना उलझेगा। आई डोंट माइंड, अगर मेरे उलझने से केस सुलझता है तो आई डोंट माइंड, आई रियली डोंट माइंड।
ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज। इंस्पेक्टर तो बहुत उड़ रहे हैं बाप, इसका तो परिच काटना पड़ेगा।